ऐसा है, मैं एक साधारण किसान और लड़का हूं, पहले रेलवे की नौकरी करता था, फिर वहां से रिटायरमेंट लेके और जामसर में मेरे गुरुदेव गंगानाथ जी थे, उनसे दीक्षा ली। उन्होंने आदेश दिया कि इस काम को आप करो जिससे दुनिया का कल्याण हो, तो मैं भी करने से यहाँ आ गया जोधपुर। जोधपुर में आप लोगों ने यह आश्रम बना लिया, इसकी स्थापना मैंने की और तब से मंत्र दीक्षा देता हूँ मैं, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। आप अपने गुरु के संपर्क में कैसे आए? गुरु ने बुलाया मुझे, जामसर में रहते थे वो, कोई मतलब बॉर्डर ट्रेड का आदमी था, रोज मतलब हर संडे को आता था, ज्यादा वो भांग वांग पीते। फिर वो एक दिन मेरे को ले गया। क्या आपको कोई आध्यात्मिक संदेश मिला अंदर से कि अभी मेरे को गुरु गंगानाथ जी के पास जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उस नाई ने कहा चलो आप, तो फिर मैं गया। वैसे मैंने गुरुदेव को कुछ भेंट नहीं किया, धूप अगरबत्ती बाद में की। आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन क्या आपके गुरु के कारण ही आया? गुरु के कारण से आया, इसलिए आश्रम में मैंने गुरु की तस्वीर साथ लगा रखी है। ये मतलब इससे पहले भी कोई आपने आराधना की गुरु से मिलने से पहले? हाँ गायत्री आराधना की थी। वो कैसे की आपने? गायत्री मंत्र की सिद्धि तो मेरे को पहले ही हो गई थी, समझे? फिर गुरु की कृपा से कृष्ण की सिद्धि हो गई, तो मैंने राधा और कृष्ण का मंत्र देना शुरू कर दिया। शक्तिपात दीक्षा क्या है? शक्ति मैं कोई शक्ति नहीं देता हूँ, शक्ति को ऑलरेडी आप में है। मैं तो एक तरीका बताता हूँ, वो आप मंत्र जपोगे तो आपके अंदर शक्ति चेतन हो जाएगी, मंत्र दीक्षा कहते हैं उसको। आप मनुष्य के अंदर आंतरिक शक्ति को चेतन करने का तरीका बताते हैं? हाँ, सिद्धियोग द्वारा कुंडलिनी जागृत ये क्या है, कैसे होती है? कुंडलिनी को मतलब कुंडलिनी रीढ़ की गड्ढी के नीचे नीचे सैक्रम में 3.5 आंटे लगा कर सोई रहती है। जब मैं मंत्र की दीक्षा देता हूँ तो वो चेतन हो जाती है, फिर वो ऊपर उठने लगती है। उस कुंडलिनी जो है वो मदर ऑफ यूनिवर्स कहलाती है। क्या कुंडलिनी इस आपके द्वारा दिए गए मंत्र के कारण ही चेतन होती है? हाँ, आज तक किसी ने कुंडली को चेतन नहीं किया। उदय आपकी फोटो से ध्यान लगता है और किसी की फोटो से नहीं? क्योंकि मैं आखिरी अवतार हूँ, कल के अवतार, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, योग होता है। अमेरिका गया, वहाँ बहुत अमेरिकन औरतें ध्यान कर रही है और उनको योग हो रहा है। संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक और चिकित्सक एड्स को लाइलाज बताते हैं। हाँ, सिद्ध योग से ये ठीक होना बताया गया है, तो ये कैसे होता है? वो कुंडली जागरण से होता है, नाम जब से भगवान के नाम जब से वैज्ञानिक जरूर परेशान है, वो कहते हैं दवाई के बिना कैसे होता है। तो ये जो आप मंत्र देते हो उसके जपने से कुंडलिनी जागृत होती है, उसके कारण एड्स ठीक हो रहा है? उसके कारण से एड्स ठीक हो रहा है। मैंने क्या इसमें सभी प्रकार के नशे एवं मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है? हाँ, मतलब भांग गांजा तो भांग अफीम छूट जाता है। बार बार में बहुत से ऐसे हैं जो अफीम खाते थे, अब छूट गया। क्या इस नाम जब से भी नशा आता है क्या? नाम का नशा होता है,
नानक देव जी ने कहा भाग तोला नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चली रहे दिन रात। यही बात कबीरदास ने कही है, नाम अमल उतरे हैं भाई और अमल छिन छिन चल उतरे, नाम अमल बड़े सवाया। सिद्ध योग से विश्व शांति कैसे संभव होगी? जब रोग मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। आदमी रोग से परेशान है, पैसा लगता है फिर भी रोग ठीक नहीं होता है, एड्स का आज तक कोई इलाज ही नहीं है। गुरु पूर्णिमा 2012 के पर्व पर आप विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गुरु पूर्णिमा को ये देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस दर्शन का विस्तार करें विश्व स्तर पर। यहाँ मेरे से जो भी बाहर के रहने वाले हैं वो विश्व में शक्ति बात क्या है, कुंडलिनी क्या है, कैसे जागृत होती है। आपके यहाँ सबसे ज्यादा हमने देखा युवा लोग आते हैं, क्या कारण है? और सबके यहाँ तो बुढ़े लोग जाते हैं, उनके साथ एक आध जवान लड़का होता है। मेरे यहाँ सारे जवान आते हैं और विशेषकर साइंस के डॉक्टर और इंजीनियर, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान इस मंत्र से हो जाता है, एड्स कैंसर खत्म हो जाते हैं। मंत्र दीक्षा केवल आप गुरुवार को ही देते हैं, इसका आप कारण बताएंगे? देखिए, दो गुरु हैं, एक मंत्र देते हैं विश्वामित्र जी हुए और एक कलयुग दूसरे गुरु हुए जो राक्षस, एक शुक्राचार्य हुए। तो मेरे गुरुदेव ने कहा आप देवताओं को मंत्र दो, राक्षसों को मत दो, तब से मैं सुस्कार के देता हूँ। मंत्र सभी लोगों के लिए समान, परंतु बीमारियां सब अलग अलग ठीक होती है, हाँ क्या कारण है? भगवान तो एक ही है, समझे न समझे। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दिशा देता हूँ, वो ईश्वर ही ठीक करता है, मैं नहीं करता। मैंने तो एक तरीका बता दिया आपको, ये जपो। योग से परिवर्तन होने वाले वृत्तियां किस तरह सिद्ध योग में सहायक होती है? वृत्तियां परिवर्तन नहीं होंगी जब तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे में अगर तामसिकता होती तो यहां मैं नहीं आता, और गुरु के पास नहीं जाता गंगा जी के पास तो वृत्ति नहीं बदलती। तो ये वृत्तियां बदलने से परिवर्तन आता है? हाँ, वृत्तियों से सारा खेल होता है। कितने प्रकार की वृत्तियां होती है? वैसे तीन प्रकार के होते हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। तीनों वृत्तियों के बारे में थोड़ा बताएंगे आप, रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इनका क्या स्वभाव कैसा है? तो जैसे खान पान है, गीता में साफ लिखा है तीन प्रकार की वृत्तियां होती है, रजोगुण क्या खाता पीता है, सत्वगुण क्या खाता पीता है, तमोगुण क्या खाता पीता है। तीन प्रकार के वृत्तियों को डिटेल गीता में लिखा हुआ है, मैंने मेरी किताबें भी लिखा है उसका, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, सो शायद आपके पास भी होगी। आप एक तो यहाँ आपके सानिध्य में दीक्षा देते हो, जो लोग आपके पास आते हैं हमने देखा है आपका कई चैनलों पे सीडीज वो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें कोई लोग कहीं बैठा अगर वो मंत्र सुने तो क्या दीक्षा हो जाएगी? मेरी अगर आवाज है और मेरी तस्वीर है तो हो जाएगी। मेरी आवाज और मेरी तस्वीर से हो जाती है, क्योंकि मैं कल की हूँ इसलिए मेरी फोटो और मेरी आवाज 19 मिनट के सीडी मैंने एक बनाई है, वो
मैंने दुनिया को भेज दी। योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, शारीरिक कसरत नहीं है, समझे ना? समझे, भोग तो भोगने भोगते हो जब होता है, योग जब आप करते हो। योग का मतलब शारीरिक कसरत नहीं है, सिद्ध योग, ध्यान योग, जप योग, लय योग। तो मैं जो सिद्ध दीक्षा देता हूँ वो सिद्ध योग है। तो आपकी सीडी बाजार में कई लोग जो कर ले जाते हैं और देखते हैं, तो क्या इसको गुरुवार के अलावा भी देख सकते हैं या ऑनली गुरुवार को ही उनको देखनी है जो मंत्र दीक्षा लेना चाहता है? नहीं, वो हरवार को देख सकते हैं। वो जो सीडी बनाई है मैंने, वो तो केवल बृहस्पतिवार को बनाई है। अब वो सब बृहस्पतिवार को देखे जरूर नहीं है, कोई बार को देखे बोले। अच्छा, आपने वो बृहस्पतिवार को मंत्र बोल दिया। हाँ, अब वो आगे कोई भी इसको किसी बार को सुन सकता है? हाँ, किसी बार को। ये योग में उल्लेख मिलता है कि खेचरी मुद्रा होती है। हाँ, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? खेचरी मुद्रा को हमारे शिष्यों ने कहा है कि तालों में एक जीव चिपक जाते ऊपर, ऊपर से एक रस टपकता है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबरती है, निगुरा जाए प्यार। तो मेरे से दीक्षा लेते हैं उनको सबको खेचरी मुद्रा लगती है। क्या ऐसे सभी प्रकार के नशे मिट जाते हैं? हाँ बिल्कुल, छूट जाते हैं सभी प्रकार के, कैसा भी नशा हो, कैसा भी नशा हो। ये शराब वराब तो मामूली बात है, अफीम का नशा छूट जाता है। उधर आपके सिद्ध योग में आप जो मंत्र दीक्षा देते हैं, ध्यान के बारे में बताते हैं, ध्यान करना है, ध्यान कैसे करना होता है? ध्यान आंख बंद कर रही है, हाँ, आज्ञा चक्र पे देखो, दास शिव जी का तीसरा नहीं तो वो खुल जाएगा, तो आप अनलिमिटेड पास फ्यूचर देखोगे। पास तो देख लिया, फ्यूचर देखोगे तो जो घटा हुआ वो काम नहीं करोगे, जो नफे वाला काम होगा वो करोगे। ये तीसरे नेत्र से दिखेगा। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, बीकानेर के पास है पलाना, वहाँ से उठा, मैट्रिक पास की, रेलवे नौकरी कर ली। फिर मेरे को किसी ने कहा कि गायत्री सिद्धि के बिना कुछ नहीं होगा, तो नवरात्रि में मैंने गायत्री सिद्धि की। तो मुझे किसी ने कहा कि 1,25,000 जप करो, तो 1,25,000 जप करा किया, उससे एक प्रकार का आनंद आने लगे। फिर किसी ने मुझे गंगन्नाथ जी के बारे में बताया, वो जानसर में रहते थे, उनके पास किया, उनके कृपा से मेरे को कृष्ण की सिद्धि हो गई। मैं गंगा से रहता था और ध्यान में मालूम हुआ, एक लड़का कर रहा है 18-19 साल का, श्याम रंग का, वो मेरे पास आया और मेरे कर ला, आप इसको बंसी को बजाओ। मैंने कहा मुझे आती नहीं है, तो बंसी जो हाथ में पकड़ाई और गायब हो गई। तब से बाद गंगेनाथ पास गया, फिर मैं कृष्ण की दीक्षा देने लग गया, राधा और कृष्ण की। कृष्ण 9वें अवतार थे हमारे धर्म में, 10वां अवतार आखिरी अवतार होता है। तो कृष्ण जो बंसी दे कर चला गया, मुझे तो फंसा गया, आगे मेरे को करना है काम, इसलिए मैं कल की हूँ, 10वां अवतार हूँ, इसके बाद मैं कोई अवतार नहीं आऊंगा, 1,000 साल का सत्युग आएगा। ये बाइबल भी कहती है, हिंदू धर्म भी कहता है। मैं 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफे इजराइल गया,
इजराइल में मेरे बहुत अन्याय है, समझे। एक मेरे साथ कुलदीप रतन में गए थे, एक जूही पोगेदार भी गई थी, अमेरिका गया 3 दफे, तो और सब तो गए तो अपने काम से, दीक्षा तो नहीं दी क्योंकि वो लोग ईसा को मानते, पर ध्यान करते औरतें तो योग हो जाता है, उनको बड़ा मान आश्चर्य होता है। वो मेरी तस्वीर का ध्यान करती है, जितना टाइम मांगते हैं बिल्कुल उतना टाइम में योग खत्म हो जाता है। सार्वजनिक दीक्षा कब चालू किया? सार्वजनिक तो मैंने जोधपुर में चालू की, ये आश्रम में आध्यात्मिक सत्संग जोधपुर में, वैसे मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में भी मैं पहले देता था, वहाँ ज्यादा नहीं लोग, अब तो पूरे राजस्थान में है, गिनती का सवाल नहीं पता। मैं कोई रोल नंबर थोड़ी देता हूँ, आ जाओ कितने वर्ष से आवाज जाएंगे, तो आप जिसके किस्म होते हैं आगे ये नाम का नशा सबको चढ़ जाएगा और नशा छूट जाएगा सभी प्रकार का, अफीम बड़ा मुश्किल छूटता है, भांग गांजा बहुत आसान छूटता है, शराब बहुत आसान छूटता है, अफीम भी छूट गया, बाढ़ बैठ गए मेरे बहुत शिष्य है अफीम छूट गया। क्या विज्ञान के लोग भी आए आपके पास? हाँ, विज्ञान के लोग अब बहुत आ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बहुत आ रहे हैं, वो जानबूझ कर आ रहे हैं कि ये सब क्या करते हैं, घर जाके फिर वो प्रैक्टिस करते हैं और तो उनमें परिवर्तन आता है, आनंद आने लगता है, फिर वो घर बैठ के अपना ध्यान करते हैं। कई संस्थाओं में ये नियम होता है कि एक बार गुरु से दीक्षा ले ली तो वो कंपलसरी आना होता है, ये होता है क्या आपसे दीक्षा लेने के बाद जीवन में कभी आने की जरूरत है? कोई आने की जरूरत नहीं है, मुझसे दीक्षा ले ली, मैंने जो नाम बता दिया वो जपो, जपो मतलब राउंड करो जपो, ध्यान सिर्फ 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, और आंख बंद करके यहाँ शिव की तीसरी नेत्र है उसके मुझे देखो या गंगा नदी को देखो, ध्यान लग जाएगा। ये मोक्ष लोग बात करते हैं, मोक्ष होता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष क्या चीज है? ऐसा है, आदमी जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, समझे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि गोलोक पहुंचाए मेरे लोक में, वो दोबारा नहीं आते, समझे। तो कृष्ण तो मेरे को सिद्धि दे के चला गया, अब मैं राधा और कृष्ण को दीक्षा देता हूँ, ये आखिरी दीक्षा है, इसके बाद में आदमी दोबारा जन्मता मरता नहीं, जन्म तो गया मरेगा जरूर एक दफे, दोबारा जन्म ही होगा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये वृत्तियां जो 3 प्रकार की होती है, भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो सतोगुण जब हो जाता है आप तो फिर आप दोबारा नहीं आओगे, वो खत्म हो जाता सारे। क्या आपके यहाँ आने वाले सभी लोग समान हैं, सब इस ज्ञान के पात्र हैं? ये जरूर नहीं है, समझे। आदमी बड़ा सीरियस होके आते हैं, कई तो जानने के लिए आते हैं कि मैं क्या करता हूं, तब दीक्षा में आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा में जरूर नहीं, सब दीक्षा लेने के बाद में फिर उनकी वृत्ति बदल जाती है, चाहे वो जानकारी के लिए आया है कि क्या करते हैं, क्या लेते देते हैं।
क्या ये ज्ञान छोटे बच्चे और बूढ़े बड़े जवान सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है? ये विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए। चित्त की वृत्तियों का निरोध है तो ध्यान लगाते हैं तो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। बूढ़े जीते आए वो तो नाम जप करते हैं, प्रचार नहीं करते, वो तो मोक्ष के लिए आए। और विद्यार्थी जीते आए वो आगे प्रचार करते हैं। ये योग की किताब में कई जगह लिखा है दिव्य आनंद। हाँ, ये दिव्य आनंद क्या है और कैसे मिलता है? ये इंद्रिय अतीत आनंद है। नानक देव जी ने कहा ना, भागवत तत्व नान का उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी ने कही है, नाम अमल उतरे भाई और अमल छिन छिन चतु चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये आनंद किसी पदार्थ से नहीं आता। योग के बारे में लोग बताते हैं कि प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम तो एक क्रिया है, प्राणायाम होना जरूरी नहीं है। नहीं, बहुत सारे जो योगाचार्य हैं जो प्राणायाम करवाते हैं कि भाई आप जो करें सांस तेज लो धीरे छोड़ो, ऐसे प्रक्रिया क्रियात्मक रूप से बताते हैं। वो अगर होना जरूर है तो होता होगा। मेरे दो कई शिष्य है कि प्राणायाम में वो सहस्रार में पहुंच जाते, उनको योग वो प्राणायाम नहीं होता। तो प्राणायाम योग की अंतिम क्रिया है? नहीं, स्टार्ट है योग। प्राणायाम होना जरूरी नहीं है, प्राणायाम करवाते हैं कोई प्रोफेशनल लोग, समझे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, मैं किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता। मेरे गुरु गंगाईनाथ जी ने सिर्फ धूप के लिए अगरबत्ती मैं करता था, जो कि आश्रम में भी आप लोग करते हो। इसके अलावा मैंने गंगाईनाथ जी कुछ भी नहीं दिया। और बस ये मेरे को गंगाईनाथ जी ने समझा दी कि अगरबत्ती करो। योग के लिए कोई वो पैसा टका देने की जरूरत नहीं है किसी को। मैंने आज तक जितने अब गिनती का कोई पता नहीं, अमेरिका में कम है, इजराइल में भी है ज़्यादा, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। गिनती मालूम नहीं है क्योंकि अब आज कितने आदमी है, मगर मैंने एक पैसा आज तक नहीं लिया, समझे। स्वेच्छा से कुछ दे देते हैं, हाथ नहीं मारता, पैरों में रखो उसकी मर्जी से, चाहे रुपया रखो चाहे 2 रुपया रखो। मैंने आज तक मांगा नहीं और नए जीवन में मांगूंगा, समझे। महर्षि अरविंद ने जो अपने साहित्य में लिखा है कि वो परम सत्ता इस धरा पे अवतरित होगी, हाँ, वो इस तरीके से काम करेगी जिसे पूरा दुनिया में बदलाव आएगा, युग परिवर्तन होगा, क्या ये वही चीज है जो आप? हाँ, अरविंद ने जो लिखा वो मेरे बारे में लिखा, मैं आपको साफ बताऊं, समझे नहीं समझे। अरविंद महर्षि अरविंद ने जो लिखा वो 100% मेरे लिए रखा। एक लड़का ध्यान में अपने किसी दोस्त के घर चला गया, इस तरह मैं भी कई दफे, एक दफे अफ्रीका चला गया, दक्षिणी अफ्रीका। एक नर्स वहाँ इलाज करती थी एड्स का, वो देखा। इंग्लैंड चला गया था, कोई आदमी पंजाब से गया और समुद्र के किनारे कहीं ठहरा हुआ, वो मतलब आदमी ठहरने के लिए वहाँ, वो कह रहा था कि मैं पंजाब से सब कुछ बेच बात कर यहाँ आ गया, यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, अब क्या करूँगा। तो अनलिमिटेड पास्ट भी दिखता है, फ्यूचर भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है,
ध्यान से आप चाहो ये करना आप भी कर सकते हो, बस ऐसे कि आप समर्पित भाव से, गुरु सिर्फ समर्पण चाहता है और गुरु को कुछ नहीं चाहिए। कहा ना गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। यहाँ मैंने क्यों लगा रखी है आश्रम में गंगा व्यास जी की तस्वीर, क्योंकि उनके मेहरबानी के बिना मैं आज यहाँ आश्रम नहीं बना सकता था। आश्रम बनाने में मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, लोग देते रहे। बाड़मेर में बहुत बना हुआ है, कोटा में 1 करोड़ के लागत से बना हुआ है, अगर समाज के लोग देते तो वहां तो जाते ही नहीं। मेरे शिष्य है अभी पदम जी आए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा कोटा से आएंगे, बाड़मेर से आएंगे, पंजाब से कम आएंगे। मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है मानवता में सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन। इसमें मुझे किसी जाति विशेष देश विशेष राष्ट्र विशेष की जरूरत नहीं, मैं पूरे विश्व में यह परिवर्तन लाना चाहता हूं। जो मैं स्टेज पर बैठता हूं उसके नीचे श्राप लिखा हुआ है, आप सब लोग देख सकते हो।